नमस्कार दोस्तों, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों वेरिएबल के बारे में। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है, कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो चीज है दोस्तों, मान लीजिए हम लोग एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं। आपके घर में एक डब्बा होगा, डब्बे के अंदर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, चीनी वगैरह कुछ भी आप लोग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब जब भी दोस्तों आप लोगों को वहां पे चीनी का जरूरत पड़ेगा तो वो दोस्तों आप लोग उस डब्बे से निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से दोस्तों वेरिएबल काम करता है। मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को अपना नाम प्रिंट करने के लिए हम लोगों को 100 बार अपना नाम प्रिंट करना है, तो वहां पर दोस्तों हम लोग एक डब्बा बनाएंगे, डब्बे के अंदर हम लोग अपना नाम रख देंगे। और जब भी दोस्तों हम लोगों को अपने नाम का प्रिंट करने का जरूरत पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम लोग उस डब्बे से आप लोग अपना नाम निकाल लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का यूज करता है। जब भी दोस्तों हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट वगैरह कोई भी नंबर वगैरह का जरूरत पड़ता है तो हम लोग पहले उसको रख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि दोस्तों ये हम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर, तो दोस्तों हम लोग उस वहाँ पे वेरिएबल को यूज करेंगे और वहाँ पे दोस्तों हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग भैर हो गया और लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इस तरीके के तीन तरीके का वेरिएबल होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग भैर के बारे में जानने वाले इस वीडियो में, अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग लेट और कॉन्स्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर दोस्तों जो हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का फोल्डर था उसके अंदर दोस्तों एक फाइल बना लिया हूँ variable.html। इसके अंदर दोस्तों हम लोग आज वेरिएबल का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग हेड टैग के अंदर चले आएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप लोग HTML के अंदर कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। ये दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इस तरीके से दोस्तों ये हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे हम लोग पिछले के वीडियो में यहाँ पे हम लोग करते थे document.write, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते थे और इसके अंदर दोस्तों हम लोग कोड के अंदर जो भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करना चाहते थे वो प्रिंट कर सकते थे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्रिंट हो जाता था। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके और यहाँ पे कॉपी पाथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे इसके अंदर हम लोग भी पेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उस पाथ को पेस्ट करेंगे तो ये हमारा वही फाइल यहाँ पे रन होके आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये दोस्तों जो भी हम लोग प्रिंट करते थे तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे और वो प्रिंट हो जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को सोनू कुमार को 50 बार लिखना है, ये 100 बार लिखना है, तो ये 100 बार लिखना है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अभी के फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोगों को इसको कॉपी करना होगा और मान लीजिए 100 बार लिखना है तो इस तरीके से हम लोगों को 100 बार यहाँ पे पेस्ट करना पड़ जाएगा। इसका सोल्यूशन है दोस्तों वेरिएबल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, कंट्रोल जेड से मैं यहाँ पर पहले एक बार लिख लेता हूँ, मान लीजिए 2 बार लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कहीं पर भी दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वेर कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वेर कीवर्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल का नाम देंगे। तो यहाँ पे नाम देने का भी बहुत सारा तरीका होता है जो कि दोस्तों मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों कोड के अंदर जो भी आप लोग लिखेंगे वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोनू यादव, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे इसको क्लोज भी करना है। तो ये जो हमारा नेम वेरिएबल बन गया जो कि दोस्तों इसके अंदर ये हमारा कंटेन कर रहा, मतलब दोस्तों ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये रखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग जब भी दोस्तों हम लोग इसका जरूरत पड़ेगा तो ये बॉक्स को हम बोलेंगे, ये बॉक्स को ये जो हमारा बॉक्स है इसको दोस्तों हम लोग बोल के इससे हम लोग वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग नहीं लिखा तो मैं एक बार यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने हटा दिया और इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को ये वैल्यू प्रिंट करनी, ये वैल्यू हम लोगों को लेना है। तो ये जो वेरिएबल है जैसे कि मैंने आप लोगों का बताया, इस वैल्यू वेरिएबल का बॉक्स मान लेते हैं, इसको बॉक्स को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे नेम लिख देंगे तो आप लोग देखेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल से सेव करेंगे और गूगल क्रोम के अंदर जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एज इट इज वही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों का वैल्यू जब मिल रहा है वो आ गया। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे ये 100 बार यहाँ पे लिखना पड़ जाए,
अगर यहाँ सोनू कुमार हम लोगों को 100 बार लिखना पड़ जाए तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एडिटिंग इसको हम लोग 100 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को सोनू कुमार 100 बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 3 बार मैंने वहाँ पे कंट्रोल सेव किया तो ये 3 बार यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से हो गया। और मान लीजिए दोस्तों हम लोगों की यहाँ पे एक एचटीएम, ये जो सोनू कुमार है, तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हम लोगों से कुछ गलती हो गया जिसमें नाम में मिस्टेक हो गया और ये हम लोगों ने बहुत बार पूरे प्रोग्राम में यूज किया। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों 200 लाइन का कोड है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 20 लाइन का कोड है, लेकिन मान लीजिए 200 लाइन का कोड है इसमें दोस्तों हम लोग 50 लाइन इस चीज़ को हम लोगों ने यूज किया और ये गलती हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे यादव मान लीजिए मैंने गलती से दे दिया, इसको हटाने के लिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का यूज किया हूँ, वेरिएबल के अंदर दोस्तों हम लोग हटा देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ये जो सारे जगह पर यहाँ पे जहाँ भी हम लोगों ने नेम कीवर्ड का यूज किया होगा, नेम वैल्यू को यूज किए होंगे, वहाँ पे सारा का सारा वेरिएबल से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल से मैं सेव किया हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यादव जो लिखा हुआ था वो सारे जगह से यहाँ पे हट गया। इस तरीके से दोस्तों वेरिएबल का ये भी फायदा, गलती हो गया तो आप लोग एक ही बार में सुधार सकते हैं, सारे जगह पर आप लोगों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। और मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एच टी एम एल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, BRIC इस तरीके से हम लोग कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो हमारा है यो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मान लीजिए दोस्तों ये जो नेम कीवर्ड है, और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे मान लेता हूँ नेम कीवर्ड का यूज करता हूँ और इसके अंदर दोस्तों हम लोग दूसरा वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग नेम कीवर्ड के अंदर ये जो है यहाँ पे दोस्तों आप लोग नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। नंबर इनपुट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ये जो हम लोगों ने डुअल कोड दिया इसको आप लोगों को देने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा, ये जो हमारा सोनू कुमार था ये यहाँ से हट गया और 1 2 3 जो 3 बार हम लोगों ने प्रिंट किया था वो 3 बार प्रिंट हो गया। इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया इसके अंदर जो वैल्यू था सोनू कुमार, ये जब मैंने दूसरी बार इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन किया तो वो दोस्तों ओवरराइड हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग ये सेम चीज़ का नाम अगर बार बार यूज कर रहे हैं तो वो पहले वाला वैल्यू जो हट जाएगा, तो बाद में जो आप लोगों ने किया होगा उसके अंदर वो वैल्यू चले आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग दूसरा भी वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेम बनाया, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया वैर नंबर बना लेते हैं, नंबर इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3। इसको दोस्तों आप लोग पॉइंट में भी दे सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसके अंदर यहाँ पे इसको आप लोग कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये आ गया 1 2 3 डॉट 5। इस तरीके से दोस्तों आप लोग वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब तो देखते हैं दोस्तों ये जो हम लोगों ने वैल्यू का नाम नेम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, कुछ भी आप लोग वैल्यू बना सकते हैं। इसका जिसका नाम रखने का भी तरीका होता है जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वेरिएबल का लिखने का तरीका बहुत सारे होता है। पहले मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ। तो सही तरीका मैं यहाँ पे कॉमेंट करता हूँ, कॉमेंट के बारे में मैं दोस्तों वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग यहाँ पे पहले ध्यान से पहले वाले ट्यूटोरियल को देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर सही तरीका पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट, यहाँ पे मैं राइट भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि वेरिएबल बनाने का, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने नेम लिया था तो आप लोग इस तरीके से नेम तो लिखेंगे, ये सही तरीका था तब तो ये काम किया। इस तरीके से आप लोग नेम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट अंडर स्कोर नेम, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप और भी बहुत सारे तरीका होता है जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों एक तरीका और बताता हूँ, अगर मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके से लिखा और दोस्तों आप लोग इस तरीके से इसके बाद में दोस्तों आप लोग कुछ नंबर लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को रॉन्ग वे बताता हूँ जो दोस्तों आप लोगों को वेरिएबल बनाने के लिए रॉन्ग वे बताता हूँ जो कि दोस्तों आप लोगों को वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम, तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट उसके बाद दोस्तों आप लोग इस बिना स्पेस ये देंगे तो ये गलती हो जाएगा। स्पेस आप लोगों को बीच में नहीं देना चाहिए, ये आप लोग बनाएंगे तो ये गलती हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले नंबर नहीं दे सकते, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, अगर मैं पहले नेम यहाँ पे दे दूंगा तो ये गलती हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया, इसके पहले यहाँ पे हम लोग 99 लगा देंगे तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो ये बता रहा है कि ये गलती हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एरर दे रहा है। फिर भी मान लीजिए दोस्तों हम लोग इस विजुअल स्टूडियो का बात नहीं मानते हैं और दोस्तों हम लोग यहाँ पर रन कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसको यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखने के लिए, यहाँ पर एरर देखने के लिए जावास्क्रिप्ट के गूगल क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप लोग कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे वेरिएबल के अंदर यहाँ पे लाइन नंबर 7 के अंदर यहाँ पे एरर दिखा रहा है। इस तरीके से आप लोग लाइन नंबर 7 के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नेम नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पे 99 हटाते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग फर्स्ट स्पेस नेम दे देंगे तो ये भी एक गलती हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को दे रहा कि गलती हो गया, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें फिर से यहाँ पे हम लोगों को रॉन्ग दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये भी नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग बड़ी भी रख सकते हैं, पहले यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बड़ी वाला, तो आगे में बड़ी भी आप लोग रख सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, अब राइट पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम तो हो गया, बड़ी भी हो गया, यहाँ पे दोस्तों हम लोग फर्स्ट अंडर स्कोर भी लगा देंगे तो भी दोस्तों हम लोगों को एरर नहीं देगा, और यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एरर देना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखेंगे ये जो हमारा राइट वे था इसी तरीके से दोस्तों आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, और ये जो हमारा गलत तरीका था इसको दोस्तों आप लोग यूज नहीं करेंगे, नहीं तो दोस्तों आप लोगों के प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। और ये जो वेरिएबल को हम लोगों ने बनाया इसको दोस्तों आप लोग जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ main.js है तो इसके अंदर भी दोस्तों आप लोग वेरिएबल को बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर नेम इक्वल टू जो भी आप लोग वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसको क्लोज करके इस तरीके से सेव करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं, src वाला स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे मैं यूज करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्क्रिप्ट main.js इस तरीके से main.js। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे उस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया था, नेम ही दिया था, तो ये जो हमारा नेम वाला है यहाँ पे इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेम है ही नहीं तो इसको हम लोग कंट्रोल से सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वो वाला भी हम लोगों का यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी वेरिएबल को बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों लेट और कॉस्ट के बारे में, तो अगले वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।